हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू कोर क्लासेस। स्टूडेंट, आज की ये वीडियो CHE06 के लिए है। जिन स्टूडेंट्स का कोर्स CHE06 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, उनके लिए आज हम यूनिट स्टार्ट कर रहे हैं। यूनिट नंबर 1, रिएक्शन मैकेनिज्म्स इंट्रोडक्शन। ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, तो हम इसमें इस पूरे यूनिट में पढ़ेंगे कि मैकेनिज्म क्या होता है, और इसकी इंट्रोडक्शन इस चैप्टर में दी गई है। मैकेनिज्म के लिए वेरियस स्टेप्स क्या होते हैं, उनके लिए जो टर्म्स यूज करी जाती हैं, उनका नेचर कैसा होता है, वो किन चीज़ों पे डिपेंड करते हैं, किन फैक्टर्स पे डिपेंड करते हैं, वो हम इस यूनिट में पढ़ेंगे। सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि मैकेनिज्म क्या होता है। मैकेनिज्म इज अ पाथवे। ये पाथवे है, हमें पता है कि किसी भी रिएक्शन में क्या होता है कि रिएक्टेंट्स आर रिएक्टिंग टू गिव पर्टिकुलर प्रोडक्ट्स, बट दीज रिएक्टेंट्स आर नॉट डायरेक्टली गिव द पर्टिकुलर प्रोडक्ट, बट दीज रिएक्टेंट हैव टू गो स्टेप बाय स्टेप टू गिव दैट पर्टिकुलर प्रोडक्ट। इट मीन्स इट इज अ पाथवे विच डिसाइड्स विच टाइप ऑफ प्रोडक्ट वुड हैव टू बी फॉर्म्ड। मीन्स ये जो मैकेनिज्म है, ये तय करता है कि जो पर्टिकुलर प्रोडक्ट बनेगा वो कैसा बनेगा, ये डिपेंड करता है मैकेनिज्म में। ये एक पाथवे है, स्टेप वाइज पाथवे है, जिसमें वेरियस स्टेप्स होते हैं जिनको पार करके एक हमें प्रोडक्ट मिलता है। तो इंट्रोडक्शन में क्या है, रिएक्शन मैकेनिज्म इन्वॉल्व स्टेप वाइज प्रोग्रेस ऑफ ए रिएक्शन एज द रिएक्टेंट कन्वर्टेड इन टू प्रोडक्ट। तो अभी हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ मैकेनिज्म। कौन कौन सी टाइप, कितनी तरह के मैकेनिज्म हो सकते हैं, हमने अभी पढ़ा मैकेनिज्म होता क्या है, अब हम पढ़ेंगे कितने टाइप्स ऑफ मैकेनिज्म हो सकते हैं। तो सबसे पहला टाइप हम पढ़ेंगे बॉन्ड हिड्रोलिसिस। आप इस जो डेफिनेशन है वो इसी के नाम से भी बना सकते हैं। कैसे, बॉन्ड का मतलब आप समझते हैं बॉन्ड फॉर्म्ड, हिट्रो का मतलब होता है डिफरेंट, लिसिस का मतलब होता है ब्रेक, मतलब कि बॉन्ड का ब्रेक होना, बट इन हिट्रो टाइप मॉलिक्यूल्स। मींस जो हिट्रोटॉमिक मॉलिक्यूल्स होंगे उनमें जो बॉन्ड बना होगा उसे बोलेंगे बॉन्ड हिट्रोलिसिस। मींस बॉन्ड ब्रेक होगा लेकिन हिट्रो टाइप ब्रेक होगा, बराबर मतलब सेम टाइप में, सिमेट्रिकली ब्रेक नहीं होगा। हिट्रो का मतलब है अनसिमेट्रिकली ब्रेक होगा, मतलब फॉर एग्जाम्पल सपोज कीजिए हमारे पास बॉन्ड है बिटवीन ए एंड बी, ए एंड बी में बॉन्ड बना है जिसमें वेलेंस इलेक्ट्रॉन्स, आपको यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स पेयर दिखाए गए हैं। अब बॉन्ड कैसे बनता है, बाय ज्वाइनिंग टू इलेक्ट्रॉन्स। तो ए और बी के बीच में बॉन्ड है बाय टू इलेक्ट्रॉन्स, तो बॉन्ड को मैंने दो इलेक्ट्रॉन्स के तरह दिखाया है। अभी बॉन्ड हिड्रोलिसिस करवाना है। बॉन्ड हिड्रोलिसिस का मतलब क्या होगा, या तो ये दोनों मतलब पूरे का पूरा बॉन्ड ट्रांसफर होगा ए के पास या फिर बी के पास। अगर ये पूरा इलेक्ट्रॉन पेयर मतलब कि बॉन्ड ट्रांसफर हो रहा है टू द ए, देन क्या होगा कि ए के पास क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज, एंड बी के पास क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि इसमें लैक हो गया है इलेक्ट्रॉन्स। अगर इलेक्ट्रॉन्स पे जो ये बॉन्ड है ये ट्रांसफर होता है फ्रॉम ए टू बी, देन बी के पास नेगेटिव चार्ज एंड ए के पास पॉजिटिव चार्ज आएगा। इस टाइप की बॉन्डलिसिस को बोलते हैं बॉन्ड हिड्रोलिसिस, क्योंकि इसमें जो बॉन्ड ट्रांसफर हो रहा है वो सिमेट्रिकली नहीं हो रहा, दोनों के पास बराबर नहीं जा रहा है, ए के पास पूरा जा रहा है, ए के पास कुछ भी नहीं है, तो दैट मीन्स इसको बोलेंगे बॉन्ड हिड्रोलिसिस। अभी जो बॉन्ड हिड्रोलिसिस है, इसके बाद जो रिजल्ट में हमें मिलते हैं क्या मिलते हैं, चार्ज्ड पार्टिकल्स स्पीशीज मिलेंगे, मतलब कि इनमें जो रिजल्ट मिलेगा उसमें पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज होगा। ये अभी पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज, अभी ये भी क्वेश्चन आएगा कि किस पे पॉजिटिव चार्ज या किस पे नेगेटिव चार्ज बनेगा, किसके पास, जिसके पास इलेक्ट्रॉन बॉन्ड आ जाएगा एक्सेप्ट कर लेगा उसके पास नेगेटिव चार्ज, जिसके पास बॉन्ड जहां से जा रहा है उसके पास क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज, जैसा कि हमने पढ़ा। इसका मतलब जो रिजल्टिंग स्पीशीज होंगे या तो उनके पास पॉजिटिव चार्ज होगा या फिर नेगेटिव चार्ज होगा। अभी ये पॉजिटिव चार्ज के बारे में अगर हम थोड़ा और डिटेल में पढ़ें, क्योंकि हमें पता है कि वेरियस ऑर्गेनिक रिएक्शन में कार्बन इज द मोस्ट यूजेबल एटम। क्या होता है कि कार्बन पे अगर किसी भी ऑर्गेनिक रिएक्शन में अगर कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आ जाए तो उसको क्या बोलेंगे, कार्बोकेटायन बोलेंगे। अभी इसीलिए हम पढ़ेंगे कार्बोकेटायन। यहाँ पे भी आप अब ये जो डेफिनेशन है इसका मतलब समझने के लिए आपको इसके वर्ड में ही जाना होगा। कार्बो मीन्स कार्बन, केटायन मीन्स पॉजिटिव चार्ज। अगर कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज लग जाए तो उसको क्या बोलेंगे, कार्बोकेटायन।
अब ये कहाँ पे होगा, जब बॉन्ड हिट्रोलिसिस होगी। बॉन्ड हिट्रोलिसिस में क्या होगा, अगर रिजल्ट में जो स्पीशीज आ रहे हैं उन स्पीशीज में कार्बन पे अगर पॉजिटिव चार्ज है तो स्पीशीज को क्या बोलेंगे, दिस इज कार्बोकेचाइन। फॉर एग्जाम्पल हाइड्रोलिसिस ऑफ 2-bromo-2-methyl-propane, इट इज कन्वर्टेड इंटू 2-methyl-2-propanol। ये जो मैं बोल रही हूँ उसको मैं रिएक्शन के पे ही आती हूँ, रिएक्शन में समझा रही हूँ। फर्स्ट स्टेप में क्या होगा, यहाँ पे देखिए ये क्या है, 2-bromo-2-methyl एंड 2-bromo-2-methyl 1, 2, 3, और ये क्या हो गए यहाँ पे प्रोपेन, 2-bromo-2-methyl-propane। अभी इसमें क्या होगा, इसमें जब रिएक्शन होगी तो यहाँ पे देखिए दोनों में एक डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है, आपको ये पता है, हमने इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ा है कि जो कार्बन और अगर उसके साथ हैलोजन लगा हो तो इन दोनों में पॉजिटिव पोलैरिटी किसके पास जाती है और नेगेटिव पोलैरिटी किसके पास। जो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को विथड्रॉ, दिस इज बेटर लीविंग ग्रुप एंड इट इज हैलोजन, दैट मीन्स इट इज हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव। ये इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी तरफ पुश करेगा, अपनी तरफ पुश करेगा मतलब इलेक्ट्रॉन लेके जाएगा। अगर ये इलेक्ट्रॉन लेके जाएगा तो उसके ऊपर क्या चार्ज आएगा, नेगेटिव। ट्रांसफर कहाँ से हो गया, कार्बन से, कार्बन से ट्रांसफर हो गया तो इसके पास क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज। देखिए यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, तो इस स्पीशीज को क्या बोलेंगे, कार्बोकेटाइन, क्योंकि इस जो आयनिक स्पीशी है इसमें क्या है, कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आया है, इसका मतलब इसको क्या बोलेंगे, कार्बोकेटाइन। लेकिन ये केस भी हो सकता है कि कार्बन पे नेगेटिव चार्ज आ जाए, अगर कार्बन पे नेगेटिव चार्ज आ गया तो उसको क्या बोलेंगे, कार्बोएनायन। जैसे कि नाम से ही हमें पता चल रहा है, कार्ब मीन्स कार्बन, एनायन मीन्स नेगेटिव चार्ज, तो इट मीन्स इट इज नोन एज कार्बन एनायन। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखिए प्रोपेनोन है, प्रोपेनोन के केस में प्रोपेनोन और इस पे बेस अटैक कर रहा है, बेस क्या करेगा, हाइड्रोजन को लेके जाएगा। बेस का काम क्या होता है, प्रोटोन को लेके जाना, हाइड्रोजन को वो अपनी तरफ लेके हाइड्रोजन पे अटैक करेगा। अगर हाइड्रोजन पे यहाँ पे अटैक कर रहा है, देखिए यहाँ पे नेगेटिव चार्ज अटैक कर रहा है, यहाँ पे अगर मैं इसको थोड़ा खोल के लिखूं CH2H, यहाँ मैंने H सेपरेट लिख दिया, तो ये क्या करेगा, बेस इस पे अटैक करेगा, ये जो बॉन्ड होगा बॉन्ड क्या जाएगा, इसकी तरफ चला जाएगा, क्योंकि ये सिर्फ H लेके जाएगा, बॉन्ड नहीं लेके जाएगा। तो बॉन्ड किसके पास जाएगा, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा, कार्बन पे, तो कार्बन पे क्या जाएगा, नेगेटिव चार्ज। सो दिस स्पीशीज नोन है कार्बनाइन, और उसके बाद रीअरेंजमेंट के बाद हमें पर्टिकुलर प्रोडक्ट मिल जाएगा। तो इसका मतलब हमने अभी तक क्या पढ़ा है कि जो मैकेनिज्म है उसकी फर्स्ट टाइप पड़ी है बॉन्ड हिट्रोलिसिस, जिसमें बॉन्ड ब्रेक होगा हिट्रोलिसिस मतलब अनसिमेट्रिकली। लेकिन अगर अनसिमेट्रिकली ब्रेक होगा उसमें क्या क्या बन सकते हैं, कार्बोकेटाइन भी बन सकता है, कार्बेनाइन भी। अगर पॉजिटिव चार्ज ऑफ कार्बन है तो कार्बोकेटाइन, अगर कार्बन पे नेगेटिव चार्ज दैट मीन्स कार्बेनाइन। अभी जो बॉन्ड हिट्रोलिसिस होता है उनमें ये फ्रेगमेंट्स मतलब कि स्पीशीज बनते हैं, इन स्पीशीज जो बनते हैं उस पे जो इलेक्ट्रॉन पेयर आ जाता है, किस पे आएगा किस पे नहीं आएगा, ये कैसे डिपेंड होगा, कैसे डिसाइड होगा, ये डिसाइड होगा ऑन फ्रेगमेंट्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बेसिस पे। मतलब कि हमारे पास अगर ए और बी है, इसमें किस पे पॉजिटिव किस पे नेगेटिव आएगा, दोनों में जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जिसकी ज्यादा होगी उस पे नेगेटिव चार्ज आएगा, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट का नेचर है इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचना। जितना ज्यादा मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा रिजल्ट में उसके ऊपर ही नेगेटिव चार्ज आएगा। और हमें ये पता है कि जो कार्बन है उस पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उसकी बहुत कम है, तो हमेशा उसकी ज़्यादातर उसकी ये प्रॉपर्टी रहती है कि वो इलेक्ट्रॉन को डोनेट ही ज़्यादा करता है, तो तब उसके पास जनरली क्या आ जाता है, पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। जैसे कि यहाँ पे बताऊँ, जैसे कि ये कार्बन है, कोई भी एटम ए है, ये जो एटम है इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है एज कम्पेयर टू कार्बन, तो क्या होगा, ये जो बॉन्ड होगा ये ट्रांसफर किसकी तरफ होगा, ए की तरफ, तो पॉजिटिव चार्ज तो कार्बन पर आ गया और नेगेटिव चार्ज ए पे, दिस इज नोन एज कार्बोकेटाइन। और ज्यादातर जो रिएक्शन इंटरमीडिएट हमें मिलते हैं वेरियस ऑर्गेनिक रिएक्शन मैकेनिज्म में, वो ज्यादातर कार्बोकेटाइन बनते हैं। अभी तक हमने पढ़ा अनसिमेट्रिकली बॉन्ड ब्रेकिंग, ये अभी पॉसिबिलिटी थी कि अगर पूरा का पूरा बॉन्ड ट्रांसफर मतलब दोनों इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो गए, लेकिन ये पॉसिबिलिटी भी तो है कि इलेक्ट्रॉन जो है, जो बॉन्ड है वो सिमेट्रिकली भी ब्रेक हो सकता है, एक इलेक्ट्रॉन एक स्पीशीज के पास भी जा सकता है, दूसरा इलेक्ट्रॉन दूसरे स्पीशीज के पास जा सकता है, ऐसा भी तो हो सकता है। अगर ऐसा है तो उस टाइप को क्या बोलेंगे, बॉन्ड होमोलिसिस।
होमो मतलब सिमेट्रिकल, सेम, बराबर बराबर, लिसिस मतलब ब्रेक, ब्रेक क्या होगा, बॉन्ड. इफ अ बॉन्ड क्लीवेज सिमेट्रिकली, अगर इन सिमेट्रिकली वे, देन सच दैट आइदर फ्रेगमेंट ऑफ मॉलिक्यूल गेट्स वन इलेक्ट्रॉन टू गिव बॉन्ड होमोलिसिस. मतलब क्योंकि बॉन्ड जो है वो कैसे बनता है, एक दो इलेक्ट्रॉन के साथ, तो अगर ये एक इलेक्ट्रॉन एक तरफ चला जाए, दूसरा इलेक्ट्रॉन दूसरी तरफ चला जाए, तो इसको क्या बोलेंगे, बॉन्ड होमोलिसिस. फॉर एग्जाम्पल, वही हम एग्जाम्पल यूज करेंगे ए और बी की, जिसमें ये बॉन्ड बना है. अभी बॉन्ड जो है ये टूटा, ब्रेक हुआ, जिसमें एक इलेक्ट्रॉन ए के पास गया, दूसरा इलेक्ट्रॉन ए के पास गया. अभी यहाँ पॉजिटिव लाइन नेगेटिव लगाने का तो कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पे ऐसा नहीं है कि बॉन्ड जो है 50-50% ब्रेक हो रहा है. तो किसी के पास कमी नहीं है, किसी के पास ज्यादा नहीं है इलेक्ट्रॉन, बराबर बराबर है. तो इसके पास पॉजिटिव और नेगेटिव लगाने का कोई क्वेश्चन नहीं है. इसका मतलब ये इसमें क्या होता है, जब बॉन्ड होमोलिसिस होती है, इसकी वजह से पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज इन फ्रेगमेंट्स पे नहीं आता. तो ये जो सिंगल इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ रहा है, इनको क्या बोलते हैं, रेडिकल्स बोलते हैं. क्या बोलते हैं, रेडिकल्स. कार्बोकेटायन कार्बन आयन भी पढ़ा, रेडिकल्स क्या है, दिस इज सिंगल इलेक्ट्रॉन कैरीज बाय एनी फ्रेगमेंट. तो ये जो है सिंगल, इसकी वजह से, इसकी पहचान कैसे होगी, ये सिंगल इलेक्ट्रॉन की वजह से इसको क्या बोलेंगे, रेडिकल्स बोलेंगे. अब इसके एग्जांपल पे आ जाते हैं. एग्जांपल जैसे कि मीथेन है, मीथेन की फोटो क्लोरीनेशन करवानी हो, मतलब कि क्लोरीन के साथ इसकी रिएक्शन करवानी है इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, अगर करवानी है तो क्या होगा, ये जो क्लोरीन है ये कैसे रिएक्ट करेगा, क्लोरीन इज अटैच्ड विद CH3Cl, मिथिलीन क्लोराइड, और दूसरा क्या देगा, HCl. ये बनता कैसे है मैं थोड़ा सा आपको बता देती हूँ. जो सबसे पहले क्लोरीन है, क्लोरीन की लाइट की प्रेजेंस की होने की वजह से इनकी फ्रेगमेंटेशन हो जाती है, ये बॉन्ड टूट जाता है. तो एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन, दूसरा इलेक्ट्रॉन भी दूसरे क्लोरीन के पास, इनको क्या बोलेंगे, फ्री रेडिकल्स. फ्री क्यों, क्योंकि ये फ्री है, इन पे ना तो पॉजिटिव ना ही नेगेटिव है, और इसकी वजह से ये फ्री रेडिकल्स हैं. अब इनमें जो इलेक एक इलेक्ट्रॉन आ गया, तब अब दोनों में देखिए वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने बन गए, 7-7 आ गए. अभी दोनों में सिमेट्रिकली बॉन्ड ब्रेक हुआ है. अभी ये जो रिजल्टिंग स्पीशीज होंगे, इनको क्या बोलेंगे हम, फ्री रेडिकल्स बोलेंगे, क्योंकि ये जो रेडिकल्स हैं इनमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, ये फटाफट किसी न किसी और एलिमेंट के साथ रिएक्ट करने की कोशिश करेंगे ताकि ये स्टेबल हो सके बाय पेयरिंग इट्स अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, दैट मीन्स दे आर हाईली रिएक्टिव. और अभी बात करते हैं कि जो फ्री रेडिकल मैकेनिज्म है वो किस तरह का मैकेनिज्म होता है. दिस इज पेरीसाइक्लिक मैकेनिज्म. अभी पेरीसाइक्लिक मैकेनिज्म क्या होता है, अभी तक हमने पढ़ा कि बॉन्ड जो है सिमेट्रिकली भी ब्रेक हो सकता है, अनसिमेट्रिकली भी ब्रेक हो सकता है. सिमेट्रिकली अगर ब्रेक होगा तो रेडिकल्स बनते हैं, नॉन सिमेट्रिकली अगर अनसिमेट्रिकल जो ब्रेकिंग होती है उनसे या तो पॉजिटिव मतलब कार्बोकेटाइन या कार्बोनाइन बनेंगे, पॉजिटिव नेगेटिव स्पीशीज बन सकते हैं अदर देन कार्बोकेटाइन और कार्बोनाइन. बट कई बार क्या होता है, रिएक्शन में ये डिसाइड करना मुश्किल हो जाता है कि रिएक्शन होमोलिसिस है या फिर हिट्रोलिसिस है. ये कैसे, कि कई बार क्या होता है कि अगर बॉन्ड होमोलिसिस हो तब भी वही प्रोडक्ट हमें मिल रहा है, अगर बॉन्ड हिट्रोलिसिस हो तब भी वही प्रोडक्ट मिल रहा है. ये कौन दिखाता है, पेरीसाइक्लिक मैकेनिज्म की जो मैकेनिज्म होगा उसमें हमें ये पता चलेगा. कैसे, एक फेमस रिएक्शन है डीज एल्डर रिएक्शन, उसमें क्या होता है, देखिए यहाँ पे 2-methyl-1,3-butadiene. 1,3-butadiene का मतलब क्या है, 1, 2, 3, 4 कार्बन, 1 और 3 पोजीशन पे क्या लगेगा, डाइईन डबल बॉन्ड. ये 1, 2, 3, 4 पोजीशन है, तो 1 पोजीशन और 3 पोजीशन पे डबल बॉन्ड लगा, आगे लिखा हुआ है 2-methyl, तो 2 पोजीशन पे मिथाइल ग्रुप लगा दिया, तो इसमें कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है. इसका नाम क्या है, 2-methyl-1,3-butadiene. इसका दूसरा नाम, कॉमन नेम है, आइसोप्रीन. इसकी रिएक्शन करवा रहे हैं लीक एनहाइड्राइड. एनहाइड्राइड क्या होता है, CH3COOCO CH3. तो भी मैलिक एनहाइड्राइड, यहाँ पे देखिए अभी क्या होगा, बॉन्ड की हमें क्या करवानी है, ब्रेकिंग करवानी है. अभी सबसे पहले हम लेके चलते हैं बॉन्ड हिट्रोलिसिस. हिट्रोलिसिस का मतलब क्या है, पूरे का पूरा बॉन्ड ट्रांसफर होगा. अभी ये जो बॉन्ड ट्रांसफर होगा ये इस तरफ
ये जो अभी यहाँ पे कमी आ गई, यहाँ पे जो कमी है इसको कौन पूरा करेगा, ये वाला डबल बॉन्ड। अभी यहाँ पे कमी आ गई, इसको कौन पूरा करेगा, जो साथ वाला डबल बॉन्ड है। ठीक है, अगर ऐसा होगा तो देखिए प्रोडक्ट में क्या बनेगा, ये जो पूरा बॉन्ड ट्रांसफर होगा तो ये यहाँ पे बॉन्ड लगना चाहिए, देखिए यहाँ पे बॉन्ड लगा जो मैंने डार्क करके दिखाया है। उसके बाद ये जो यहाँ पे जो ये बॉन्ड पूरा ट्रांसफर हो तो यहाँ पे क्या लगना चाहिए, डबल बॉन्ड, देखिए यहाँ पे डबल बॉन्ड है। ये जो बॉन्ड था ये एज इट इज लिखा हुआ है। उसके बाद ये जो बॉन्ड है, ये बॉन्ड इस तरफ इसकी कमी पूरी कर रहा है तो यहाँ पे बॉन्ड लग गया। तो देखिए हमें क्या मिल रहा है, दिस इज द प्रोडक्ट। इसके बाद ये तो थी बॉन्ड हिस्टोलिसिस, अब हम बॉन्ड होमोलिसिस भी करके देखते हैं। बॉन्ड होमोलिसिस का मतलब है एक बॉन्ड जिसका 50% और 50% दोनों तरफ जाएगा। तब देखिए एक बात मैं यहाँ पे बता दूं, अगर पूरा बॉन्ड ट्रांसफर होता है तो हम उसे डबल हेडेड एरो से शो करते हैं, लेकिन अगर बॉन्ड होमोलिसिस हो रही है, सिंगल इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहा है, तो उसको हम सिंगल हेडेड एरो से ट्रांसफर शो करते हैं, जैसे ऐसे। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन जैसे ये है, इसको अगर ट्रांसफर करना है तो हम ऐसे दिखाएंगे सिंगल। अगर पूरा बॉन्ड ट्रांसफर हो रहा है, मतलब ये पूरा बॉन्ड ट्रांसफर, तो हम इसको डबल हेडेड एरो से दिखाएंगे। इस बात को आप कभी मत भूलिए, कन्वेंशन है ये, रूल आपको याद रखना है। तो यहाँ पे देखिए हम वही रिएक्टेंट्स ले रहे हैं, अब हम इसमें क्या करवाएंगे, हाफ हाफ, मतलब एक एक इलेक्ट्रॉन, तो हाफ बॉन्ड इस तरफ सेम जैसे पहले करा था, हाफ बॉन्ड इस तरफ, इसका भी ऐसे ही करेंगे, हाफ बॉन्ड इस तरफ, हाफ बॉन्ड इस तरफ, ये डबल बॉन्ड है इसका भी सेम ऐसे ही करेंगे। अभी बनेगा क्या, इसका जो हाफ बॉन्ड था यहाँ पे, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ गया, इसका एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ गया, एक इलेक्ट्रॉन बन गया क्या, डबल बॉन्ड, देखिए यहाँ पे डबल बॉन्ड आ गया। ये एज इट इज था, ये भी एज इट इज था लिखा हुआ है। उसके बाद इसका जो हाफ इलेक्ट्रॉन था यहाँ पे, अभी हाफ आया है, इसका भी हाफ, इसका जो हाफ आया है, इसका जो हाफ आया, दोनों मिलके क्या बनेंगे, ये वाला बॉन्ड। उसके बाद ये दोनों बॉन्ड कौन सा बनाएंगे, इस तरफ का बॉन्ड, जो ये बॉन्ड है, बाकी सारा सेम है। तो इसमें हमने क्या देखा, जो हिट्रोलिसिस करवाई थी और होमोलिसिस करवाई थी, दोनों में प्रोडक्ट सेम है। अभी चाहे इसमें क्या है, जो बॉन्ड ब्रेकिंग है और बॉन्ड मेकिंग है वो साइमल्टेनियस है। अगर किसी भी रिएक्शन मैकेनिज्म में बॉन्ड बनता है या टूटता है वो एक ही टाइम पे हो, साइमल्टेनियसली हो, तो उसको क्या बोलते हैं, पेरीसाइक्लिक मैकेनिज्म। तो ये इसकी क्या होगी, डेफिनेशन। आपके बुक में क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, आपको इंडिकेट, आपको बताना है कि कोई रिएक्शन आयोनिक है या रेडिकल है। आयोनिक मतलब कि आप पूरा का पूरा बॉन्ड ट्रांसफर हो रहा है, या फिर वो रेडिकल है, सिर्फ सिंगल इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहा है, जैसे कि ये रिएक्शन है, आपको ये पूरी रिएक्शन क्वेश्चन में गिवन है। ये देखिए फोटो इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट, ये रिएक्शन हो रही है। जनरली जो रिएक्शंस इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट होती हैं वो ज्यादातर रेडिकल, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म उसमें फॉलो होता है। एक तो आप ये फंडा याद रखें, दूसरा यहाँ पे देखिए क्लोरीनेशन है, क्लोरीनेशन जो होती है हमेशा ज्यादातर हमेशा ही रेडिकल फॉर्मेशन में अकर करती है। और दूसरा मैंने आपके लिए ये थोड़ा इजी करने के लिए मैकेनिज्म लिखा है। सबसे पहले फोटो मतलब कि लाइट की प्रेजेंस में क्लोरीन की फोटोलिसिस होगी, हाफ हेडेड एरो लगाए, एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन, दूसरा इलेक्ट्रॉन, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, टू क्लोरीन फ्री रेडिकल। इसके बाद ये क्या है, CH3, इसको मैं थोड़ा ओपन करके लिख रही हूँ, CH2 विद बॉन्ड CH, क्यों, क्योंकि मुझे इस बॉन्ड को ब्रेक करना है। अभी क्या होगा, ये बॉन्ड अगर लाइट की प्रेजेंस में क्या होगा, ये बॉन्ड ब्रेक होगा। कैसे ब्रेक होगा, हाफ इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ, हाफ इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन की तरफ। अभी जो क्लोरीन थे, क्लोरीन फ्री रेडिकल फटाफट आके क्या करेगा, इस इलेक्ट्रॉन के साथ रिएक्ट करेगा, दूसरा क्लोरीन इस इलेक्ट्रॉन के साथ, इस कार्बन के साथ रिएक्ट करेगा, तो क्या बनेगा, CH2Cl, और ये क्या था, HCl, क्या बन जाएगा, HCl। क्या हुआ, ये दोनों की बॉन्ड ब्रेकिंग हुई, ब्रेक हुई, दोनों फ्री रेडिकल बने, एक फ्री रेडिकल के साथ कौन रिएक्ट करेगा, क्लोरीन फ्री रेडिकल, दूसरे हाइड्रोजन फ्री रेडिकल के साथ भी कौन रिएक्ट करेगा, सीएल रेडिकल, तो क्या बन गया, CH2Cl। अभी ये रिएक्शन यहाँ पे खत्म नहीं होती है, क्योंकि लाइट की प्रेजेंस है, जब तक ये रिएक्शन इसके पास टूटने के लिए हाइड्रोजन है तब तक ये रिएक्शन चलती रहेगी। कब तक चलती रहेगी, जब तक ये सारे के सारे हाइड्रोजन खत्म नहीं हो जाते। उसके क्या बाद सेम क्या बनेगा, हाइड्रोजन एक और चला जाएगा, क्या बन जाएगा, CHCl2। उसके बाद फिर से क्या बन जाएगा, CH3Cl3।
थ्री सॉरी सी सी एल थ्री सारे कार्बन हाइड्रोजन खत्म हो गए, अब ये रिएक्शन यहाँ पे स्टॉप कर जाएगी। तो ये रिएक्शन किसका मैकेनिज्म था? रेडिकल का। तो ये कौन सी रिएक्शन है? रेडिकल मैकेनिज्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है मिथाइल ब्रोमाइड सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसकी रिएक्शन हो रही है मिथाइल मिथेनॉल और सोडियम ब्रोमाइड ये बना रहा है। इसमें देखिए इसमें क्या है, दिस इज सी, अगर माने हम जनरली लें जनरल फॉर्मूला सी, एंड दिस इज एक्स मतलब हैलोजन, क्योंकि हैलोजन को हम एक्स के साथ डिनोट करते हैं। अभी इन दोनों में क्या डिफरेंस है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है। पोलैरिटी क्या है? इस पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, इस पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज। मतलब क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन ये पोलैरिटी अपनी तरफ खींच रहा है। तो क्या होगा, ये क्या बनेगा? कार्बोकेटायन। ये इसकी कार्बोकेटायन बनने की ज़्यादा संभावना है। मैं इसे थोड़ा सा आपको मैकेनिज्म के साथ समझा देती हूँ। सबसे पहले सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या करेगा, जब इसको इसके साथ मिक्स किया जाएगा तो सोडियम हाइड्रोक्साइड आयन्स बन जाएंगे। उसके बाद जो मिथाइल ब्रोमाइड है क्या बनेगा, जो यहाँ से हाइड्रोक्सल आयन है वो क्या करेगा, रिएक्शन ये अटैक करेगा या तो ब्रोमीन पे या फिर कार्बन पे, दोनों पॉसिबिलिटी हैं इसके पास। ब्रोमीन पे अटैक करना पॉसिबल नहीं है क्योंकि इसकी खुद की प्रॉपर्टी क्या है, इलेक्ट्रॉन्स को लेना, इलेक्ट्रॉन्स को लेना इसकी प्रॉपर्टी है। ये भी नेगेटिव चार्ज, इस पर नेगेटिव पोलैरिटी है, ये भी नेगेटिव पोलैरिटी, तो नेगेटिव नेगेटिव पोलैरिटी तो आपस में अट्रैक्ट कर ही नहीं सकती, तो इसके पास ये ऑप्शन खत्म होगी। दूसरी ऑप्शन क्या है, कार्बन पे अटैक करना, तो ये कार्बन पे अटैक करेगा जिसकी वजह से पूरे का पूरा इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहा है। इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहा है तो ये कौन सी मैकेनिज्म हो गया, आयोनिक मैकेनिज्म। ठीक है, नेक्स्ट इज इथाइल ब्रोमाइड एंड पोटाशियम साइनाइड, सेम है जैसे ऊपर करा, सेम फंडा यहाँ लगाएंगे और जिसका आंसर होगा ऑब्वियसली आयनिक मैकेनिज्म। ओके, आप इसको प्रैक्टिस कर सकते हैं, अगर कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। टाइप्स ऑफ रिएजेंट अभी तक हमने रिवाइज कर लेते हैं, क्या पढ़ा, मैकेनिज्म क्या होता है, कौन कौन से मैकेनिज्म हो सकते हैं, लेकिन मैकेनिज्म करने के लिए अकर करने के लिए कुछ ना कुछ रिएक्टेंट के साथ कुछ ऐड करते हैं। क्या होता है, जब कोई भी ऑर्गेनिक रिएक्शन होती है तो उसमें क्या होता है, रिएक्टेंट्स रिएजेंट्स के साथ रिएक्ट करके प्रोडक्ट्स देते हैं। ठीक है, क्योंकि जो रिएक्टेंट्स हैं उनको किसी किसी के साथ ऐड होके प्रोडक्ट देना पड़ता है इन द ऑर्गेनिक रिएक्शंस। जो रिएक्टेंट्स होते हैं उनको क्या बोलते हैं, सबस्ट्रेट एंड दूसरा रिएजेंट। एक तो सबस्ट्रेट होता है, दूसरा रिएजेंट होता है, जो मिलके प्रोडक्ट बनाते हैं। फॉर एग्जांपल जो हमने अभी रिएक्शन की थी, क्वेश्चन में एक था पार्ट था मिथाइल ब्रोमाइड और सोडियम हाइड्रोक्साइड, और दूसरा था इथाइल ब्रोमाइड एंड पोटाशियम साइनाइड। उनमें जो अल्काइल ग्रुप्स हैं दीज आर सबस्ट्रेट, और दूसरा क्या है जिसमें हम इसको मिक्स कर रहे हैं, जिसके साथ रिएक्ट करवा रहे हैं, दिस इज द रिएजेंट। और मिथाइल ब्रोमाइड इज सबस्ट्रेट एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड इज रिएजेंट। और अभी जो नेक्स्ट क्वेश्चन किया था उसमें इथाइल ब्रोमाइड क्या था, सबस्ट्रेट एंड पोटाशियम साइनाइड इज रिएजेंट। अब हम बात करेंगे ये जो रिएजेंट है ये कितने टाइप्स के रिएजेंट हो सकते हैं। इनकी टाइप्स है न्यूक्लियोफाइल, इलेक्ट्रोफाइल, फ्री रेडिकल्स, रेडिकल आयन। अब ये सभी टर्म्स क्या है, वन बाय वन हम इसको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले है न्यूक्लियोफाइल्स, डेफिनेशन वर्ड में ही ढूंढेंगे जैसा कि हम हमेशा करते हैं। न्यूक्लियोफाइल, फाइल का मतलब आप लोअर क्लासेस में पढ़ चुके, दिस इज इट मींस लविंग। न्यूक्लियो मींस इसका न्यूक्लियो का मतलब यहाँ क्या है, न्यूक्लियस। अभी न्यूक्लियस में क्या होते हैं, एटम में जो न्यूक्लियस होता है उसमें क्या होते हैं, प्रोटॉन्स। प्रोटॉन्स का मतलब क्या है, यहाँ पे न्यूक्लियस का मतलब कहाँ, किस चीज से मतलब है, प्रोटॉन से। प्रोटॉन लविंग, जो स्पीशीज प्रोटॉन लविंग होते हैं उनको न्यूक्लियोफाइल्स बोलते हैं, जिन जो न्यूक्लियस लविंग होते हैं उनको न्यूक्लियोफाइल्स बोलते हैं। जो स्पीशीज न्यूक्लियस को अट्रैक्ट करने की कोशिश करते हैं, इसका मतलब उसके पास ज़्यादा क्या है, इलेक्ट्रॉन्स। इसका मतलब वो अगर उनके पास ज़्यादा इलेक्ट्रॉन है तो वो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करके प्रोटॉन ले सकते हैं, क्योंकि कुछ देने के साथ साथ हमें जो स्पीशीज उनको कुछ लेने के साथ साथ कुछ देना भी पड़ेगा। लेना क्या चाहते हैं वो, प्रोटॉन, तो उनको देना क्या पड़ेगा, इलेक्ट्रॉन्स। तो दीज आर इलेक्ट्रॉन रिच रिएजेंट्स जिनके पास एटलीस्ट वन नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर होगा, ताकि वो उस नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट कर सकें। मतलब न्यूक्लियोफाइल्स के पास इलेक्ट्रॉन पेयर होना चाहिए जिसकी बॉन्डिंग ना हुई हो, फ्री में मतलब इलेक्ट्रॉन पेयर होना चाहिए, और इसलिए उनको बोलेंगे इलेक्ट्रॉन रिच रिएजेंट्स, ताकि वो इसको डोनेट करके
क्या कर सके, प्रोटॉन को ले सके। दीज स्पीशीज अट्रैक्टेड टूवर्ड्स, किसके साथ वो ज़्यादा रिएक्ट करेंगे, जिनके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट साइट है, सबस्ट्रेट में जहाँ इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट साइट है वहाँ पे वो अटैक करेंगे। अभी हमने देखा कि वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं और प्रोटॉन को एक्सेप्ट करते हैं। हम कैसे पहचानेंगे कि कौन सा न्यूक्लियोफाइल है, कौन सा स्पीशीज जो न्यूक्लियोफाइल है। न्यूक्लियोफाइल जनरली या तो पॉजिटिव होते हैं या न्यूट्रल होते हैं, ठीक है। अगर नेगेटिव चार्ज है तो हम उनको बोल सकते हैं नेगेटिव चार्ज। किस पे होता है, जिस पे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होते हैं। इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होते हैं मतलब न्यूक्लियस के पास के भी ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसका मतलब न्यूक्लियस की पहचान क्या है, उसके पास या तो नेगेटिव चार्ज होगा या फिर वो न्यूट्रल होंगे, मतलब कि इलेक्ट्रॉन पेयर उसके पास होगा। जनरल रिएक्शन में आपको बता देती हूँ, न्यूक्लियोफाइल NU से डिनोट किया है, कोई भी सबस्ट्रेट है। अभी इसमें R दिस इज एल्काइल ग्रुप, सपोज जो एक्सिस यहाँ पे क्या है, हैलोजन। हमें पता है पोलैरिटी इसकी क्या है, दिस इज पार्शियली पॉजिटिव चार्ज, दिस इज कैरिंग पार्शियल नेगेटिव चार्ज। न्यूक्लियस क्या है, इसके पास दो साइट्स हैं अटैक करने के लिए, R एंड X। अब किसके पास करेगा, आपको अच्छे से पता है, नेगेटिव नेगेटिव पे तो अटैक करेगा नहीं, किस पे करेगा, पॉजिटिव पे। तो इसलिए मैं बोल रही हूँ कि जो मैकेनिज्म्स हैं वो बहुत ईजी हैं, वो इसको आप इतना टफ मत बनाइए, वेरी इजी। आपको सबसे पहले ऑप्शंस बनानी पड़ेंगी, फिर कुछ ऑप्शंस कैंसिल होंगी, जो बचेगी है वही है वो अटैक करेगा। न्यूक्लियस अब अटैक करेगा एल्काइल ग्रुप पे, तो क्या बनेगा, एल्काइल ग्रुप क्या हो जाएगा, न्यूक्लियस के पास साथ अटैच हो जाएगा। ये जो बॉन्ड बच गया, ये बॉन्ड क्या है, कौन लेके चल जाएगा, हैलोजन। तो यहाँ पे क्या आ गया, एक्स नेगेटिव। एग्जाम्पल के साथ समझेंगे, सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम ये पॉजिटिव, OH नेगेटिव, इन दोनों में न्यूक्लियस कौन सा होगा, मैंने बोला था या तो वो न्यूट्रल होगा या नेगेटिवली चार्ज। इनमें नेगेटिव चार्ज क्या है, हाइड्रोक्सलाइन, तो इस पे क्या, ये दिस इज नोन एज न्यूक्लियस। अब ये न्यूक्लियस सपोज कीजिए, R हमारे पास ये प्रोपेन ग्रुप है, X यहाँ पे ब्रोमाइड है। जैसे कि हमने यहाँ पे पढ़ा, ये अटैक करेगा कार्बन पे, ये बॉन्ड कौन लेके जाएगा, ब्रोमाइड ब्रोमीन, तो क्या बनेगा, दिस इज प्रोपेनोल प्लस ब्रोमाइड आयन। अभी हम कुछ और एग्जांपल्स पढ़ते हैं कि जो न्यूक्लियोफाइल्स हैं वो कौन कौन से एग्जांपल्स हैं। एक्स, अभी हम बात करेंगे न्यूट्रल एटम्स की। न्यूट्रल एटम में देखिए, जितने भी हैलोजन्स हैं, क्योंकि उनमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वो इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करते हैं, और ये सारे क्या हैं, न्यूक्लियोफाइल्स, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, ऑक्सीजन सल्फर नाइट्रोजन कार्बन। न्यूक्लियोफाइल, न्यूक्लियोफाइल इसके लिए कौन से, इसको न्यूक्लियोफाइल इसको कैसे डोनेट करेंगे, एक्स नेगेटिव के साथ। अगर न्यूक्लियोफाइल एटम में ऑक्सीजन है तो कैसे कौन कौन से हो सकते हैं, OH, RO, RCO, एल्कोक्साइड, वाटर, क्योंकि इस पे इलेक्ट्रॉन पेयर है, यहाँ पे भी अल्कोहल, एसिड्स और सल्फर में आप देखिए SH नेगेटिव, RS नेगेटिव, हाइड्रोजन सल्फाइड, थायोल्स, नाइट्रोजन अमोनिया, NH2OH, R2, मतलब क्या इसमें क्या है, हाइड्रोजन को कम कर रहे हैं और अल्काइल ग्रुप को इंक्रीज कर रहे हैं, कार्बन साइनाइड एंड यहाँ पे इथाइलिन ग्रुप। उसके बाद एक बात याद रखिए, क्योंकि हमने अभी क्या पढ़ा कि जो न्यूक्लियस हैं, न्यूक्लियोफाइल्स हैं, वो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करते हैं। आपने 10th क्लास में पढ़ा है लुईस एसिड्स, लुईस बेस, एसिड्स बेस चैप्टर में, कि जो स्पीशीज इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करते हैं वो बेसिस होते हैं अकॉर्डिंग टू द लुईस। इसका मतलब जो न्यूक्लियस न्यूक्लियोफाइल है वो क्या होगा, बेस, इट इज ऑल्सो नोन एज लुईस बेस। अब हम बात करते हैं बेसिसिटी, मतलब अब हम ये पढ़ेंगे कि कौन सा न्यूक्लियोफाइल ज़्यादा से ज़्यादा अटैक कर सकता है इजीली, और कौन सा न्यूक्लियोफाइल स्ट्रॉन्ग है, कौन सा न्यूक्लियोफाइल वीक है, ये कौन तय करता है उसकी बेसिसिटी। बेसिसिटी क्या होती है, बेसिसिटी इज अ मेजर ऑफ अ रिएजेंट टू एबिलिटी टू एक्सेप्ट प्रोटोन्स। कौन सा न्यूक्लियोफाइल कितने अच्छे से प्रोटोन एक्सेप्ट कर सकता है, उसकी एबिलिटी कितनी है कि वो प्रोटोन को एक्सेप्ट कर सके, उसको बोलते हैं उसकी बेसिसिटी। मतलब कि न्यूक्लियोफाइल्स को मेजर करने के लिए, उनकी एक्यूरेसी मेजर करने के लिए एक मेजरमेंट बनाई गई है बेसिसिटी। एग्जांपल, न्यूक्लियोफाइल है, अगर वो प्रोटोन को एक्सेप्ट करेगा
तो क्या बनेगा, ये बॉन्ड बनेगा न्यूक्लियोफाइल विद हाइड्रोजन, ये इक्विलिब्रियम रिएक्शन है। और इस इक्विलिब्रियम को मेजर करने के लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट यूज किया जाता है pKa। ए क्यों लिखा जाता है, दिस इज फॉर एसिड, दिस मीन्स इन बेसिस के कॉन्जुगेट एसिड्स होंगे, इसलिए इसको लिखते हैं pKa। अब इससे इसके कुछ ना कुछ न्यूमेरिक वैल्यू होगी, उस न्यूमेरिक वैल्यू से कैसे पता करेंगे कौन सा उसकी बेसिसिटी कितनी है। जो बेसिसिटी होगी बिटवीन टू न्यूक्लियोफाइल वो कंपेयर करी जाएगी विद रिस्पेक्ट टू देयर कॉन्जुगेट एसिड्स। मतलब क्या है, जितना ज़्यादा पी के ए वैल्यू होगा न्यूमेरिक वैल्यू, उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बेस होगा, उतना ही स्ट्रॉन्ग क्या होगा, न्यूक्लियोफाइल होगा। मतलब पी के ए वैल्यू जितनी ज़्यादा होती है हमें पता है वो उतना वीक कॉन्जुगेट एसिड्स होता है। वीक कॉन्जुगेट एसिड किसका होता है, स्ट्रॉन्ग बेस का, मतलब बेस स्ट्रॉन्ग है, बेस स्ट्रॉन्ग है मीन्स हम किसकी बात कर रहे हैं, न्यूक्लियोफाइल की, वो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होगा। इन अदर वर्ड्स जितनी ज़्यादा वैल्यू, लार्जर द वैल्यू ऑफ पी के ए, स्ट्रॉन्गर विल बी द न्यूक्लियोफाइल। और एक ऑर्डर है जिससे आप इजीली समझ सकते हैं, इसको ऑर्डर को आपको याद रखना होगा, ये ऑर्डर है इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बेसिसिटी। सबसे स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल, उससे कम न्यूक्लियोफाइल, उससे कम स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल, ऐसे ये इंक्रीजिंग ऑर्डर यहाँ पे बनाया गया है। अब हमने बात कर ली कि कैसे इसको मेजर करें, अब ये देखेंगे कि कुछ फैक्टर्स हैं जिससे उनकी जो एबिलिटी है वो कम भी हो सकती है, ज़्यादा भी हो सकती है। वो फैक्टर्स क्या हैं वो हम इसमें पढ़ेंगे। सबसे पहला फैक्ट है इंडक्टिव इफेक्ट। इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है, प्लस आई इफेक्ट माइनस आई इफेक्ट। जो सब्स्टिट्यूएंट जिसमें यूज़ किए जाते हैं एल्काइल ग्रुप्स, हमें पता है उसका प्लस आई इफेक्ट होता है, हमने प्लस टू में पढ़ा है। प्लस आई इफेक्ट हमने पढ़ा है कि क्या होता है, मैं यहाँ पे दोबारा लिख रही हूँ, दिस इफेक्ट इज इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग इफेक्ट। मतलब प्लस आई इफेक्ट का मतलब है जिस सब्स्टिट्यूएंट का प्लस आई इफेक्ट होगा, इसका मतलब वो इलेक्ट्रॉन को रिलीज करेगा। इलेक्ट्रॉन को रिलीज कौन करते हैं भाई, बेस रिलीज करते हैं, तो इसका मतलब उसकी बेसिसिटी क्या होगी, इंक्रीज होगी। मतलब इंडक्टिव इफेक्ट कैसे अफेक्ट कर रहा है, जितने ज़्यादा आई प्लस आई इफेक्ट होगा उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल होगा। इन केस ऑफ एग्जाम्पल है, इन केस ऑफ अमीन्स एंड एल्काइल ग्रुप, जो अमीन्स हैं वो रिएक्ट कर रहे हैं विद द न्यूक्लियोफाइल, ठीक है, मतलब यहाँ से वाटर के साथ, मतलब वाटर के साथ इसकी रिएक्शन हो रही है। अभी हमें पता है कि जो यहाँ पे NH2 ग्रुप है इसके साथ R ग्रुप लगा हुआ है, R मतलब एल्काइल ग्रुप। अभी एल्काइल ग्रुप का कौन सा इफेक्ट है, प्लस आई इंडक्टिव इफेक्ट है, तो ये इलेक्ट्रॉन को रिलीज करेगा, इलेक्ट्रॉन को रिलीज करके, लेकिन नाइट्रोजन के पास तो पहले ही इलेक्ट्रॉन पेयर है, तो और इलेक्ट्रॉन कौन रिलीज कर रहा है, कार्बन, इसके पास तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज हो गई, तभी ये इलेक्ट्रॉन किसी ना किसी को देगा फटाफट, किसको देगा, जो वाटर में प्रोटोन प्रेजेंट है, क्योंकि ये बेस है, बेस फटाफट प्रोटोन को पेयर अटैक करेगा ताकि प्रोटोन मिल जाए। अभी ये जो पेयर है, पेयर ट्रांसफर होगा ऑक्सीजन पे, हाइड्रोक्सिल आयन बनेगा, दिस इज द न्यूक्लियोफाइल। मीन्स जो प्लस आई इफेक्ट है वो इजीली क्या दे रहा है, न्यूक्लियोफाइल दे रहा है, तो बेसिक स्ट्रेंथ इंक्रीज कर रही है। सिंपल जो अमोनिया है इसकी बेसिक स्ट्रेंथ इतनी ज़्यादा नहीं है क्योंकि इसमें कोई रिलीजिंग ग्रुप नहीं है, यहाँ पे एक रिलीजिंग ग्रुप लगाया है इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप, तो इसकी बेसिसिटी थोड़ी सी इंक्रीज हो जाएगी। दो रिलीजिंग ग्रुप लगाते हैं उसकी बेसिसिटी और इंक्रीज हो जाएगी, तीन लगा देंगे तो सबसे ज़्यादा इसकी बेसिक स्ट्रेंथ हो जाएगी। नेक्स्ट फैक्टर है रेजोनेंस। रेजोनेंस हमने ये भी प्लस टू में हम पढ़ चुके हैं, क्या प्लस वन प्लस टू में पढ़ा है, इससे भी रेजोनेंस से भी जो इफेक्ट पड़ता है बेसिक स्ट्रेंथ पे ऑफ न्यूक्लियोफाइल्स। जैसे कि बात करते हैं, एक केस ले लेते हैं हम एनिलीन, दूसरा केस ले लेते हैं साइक्लोहेक्साइल अमीन। एनिलीन और साइक्लोहेक्साइल अमीन में क्या फर्क है, एनिलीन में क्या होते हैं, बेंजीन रिंग होती है, साइक्लोहेक्साइल ग्रुप का मतलब होता है सिक्स मेंबर रिंग विद नो डबल बॉन्ड, इसे साइक्लोहेक्साइल ग्रुप, और अगर इसमें डबल बॉन्ड लगा दें अल्टरनेटिवली तो ये क्या बन जाएगा, बेंजीन। ये एनिलीन के केस में होता है, दिस इज साइक्लोहेक्साइल अमीन। अभी जो एनिलीन है इसमें क्योंकि बेंजीन रिंग है तो इसमें रेजोनेंस होगी, क्योंकि जो एनिलीन ग्रुप है NH2 उसके पास इलेक्ट्रॉन पेयर है, ये इजीली डोनेट कर सकता है इलेक्ट्रॉन ताकि वो अच्छा न्यूक्लियोफाइल बन सके। लेकिन ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर है नाइट्रोजन पे, ये कहाँ यूज हो जाता है, रेजोनेंस में,
डीलोकलाइजेशन ऑफ द रिंग में ये पेयर यूज हो जाता है, जैसे कि यहाँ पे मैंने रेजोनेंस दिखाई है। तो इसमें क्या होता है, यहाँ पे देखिए जो पेयर है वो ट्रांसफर हो गया, इस पे डबल बॉन्ड आ गया, तो इस पे क्या हो गया पॉजिटिव चार्ज। अभी इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहा है, तो यहाँ पे आपको ये तो पता है कि स्टेप्स कैसे फॉलो करते हैं रेजोनेंस में। मैं जो किस बात से कंसर्न कर रही हूँ वो बात है पॉजिटिव चार्ज कैरिंग बाय नाइट्रोजन। अब इस नाइट्रोजन पे इलेक्ट्रॉन पेयर अवेलेबल नहीं है ताकि वो इसको डोनेट कर सके और न्यूक्लियोफिलिसिटी में पार्टिसिपेट कर सके। तो अगर इसमें पॉजिटिव चार्ज है और इलेक्ट्रॉन पेयर खत्म हो गए तो इससे इसकी बेसिसिटी डिक्रीज हो जाएगी। लेकिन जो साइक्लोहेक्सिलामीन है इसमें ऊपर क्या है NH2 ग्रुप लगा हुआ है, इस पे इलेक्ट्रॉन पेयर एज इट इज रहेंगे क्योंकि इसमें कोई बेंजीन मतलब डबल बॉन्ड नहीं है, इसमें डीलोकलाइजेशन नहीं होगी, रेजोनेंस नहीं होगी। इसका मतलब ये पेयर एज इट इज पड़े हुए हैं, ये पार्टिसिपेट करेंगे न्यूक्लियोफाइल्स में और इसकी बेसिसिटी इंक्रीज करेगी। नेक्स्ट इज न्यूक्लियोफिलिसिटी। अभी न्यूक्लियोफिलिसिटी क्या होता है, इट इज अ मेजर ऑफ रिएजेंट्स अबिलिटी टू कॉज सब्स्टिट्यूशन। अभी तक हमने पढ़ा कि कौन सा न्यूक्लियोफाइल डिसाइड करें कि कौन सा अच्छा है, कौन सा कम कौन सा स्ट्रांग है, कौन सा वीक है। लेकिन जिस पे न्यूक्लियोफाइल अटैक करेंगे मतलब के सब्स्टिट्यूएंट्स, उस पे भी तो डिसाइड करेंगे ना कि कौन सा ज्यादा इजिली न्यूक्लियोफाइल को अटैक करने देगा, कौन सा सब्स्टिट्यूएंट न्यूक्लियोफाइल को अटैक करने नहीं देगा। ये कौन डिसाइड करता है, न्यूक्लियोफिलिसिटी। तो जैसे एग्जांपल है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है विद ब्रोमोइथेन, ब्रोमोइथेन न्यूक्लियोफाइल से रिएक्ट कर रहा है, तो क्या होगा ये, अभी आपको ये मुझे समझाने की जरूरत नहीं है कि अटैक कैसे हुआ। तो इस रिएक्शन में देखिए क्या हुआ कि इसमें इथेनॉल बन रहा है और ब्रोमाइड आयन सेपरेट जा रहा है। इसमें क्या है, आपको ये पता चल रहा है कि यहाँ पे जो कार्बन है ये इसकी पोलैरिटी पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है, मतलब ये जो है फैसिलिटेट कर रहा है कि यहाँ पे तो न्यूक्लियोफाइल आ सकता है, ये फैसिलिटी क्रिएट कर रहा है। इसका मतलब ये नेचर है सब्स्टिट्यूएंट का, मतलब इसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी डिपेंड कर रही है इस सब्स्टिट्यूएंट पे, ठीक है। तो इसका जो ऑर्डर है वो भी यहाँ पे दिखाया गया है, वाटर इन केस एंड अल्कोहल्स दीज आयंस क्लोराइड ब्रोमाइड हाइड्रोक्सिल आयंस, ये सारे आयंस की इनकी न्यूक्लियोफिलिसिटी दिखाई गई है। नेक्स्ट आ जाता है इलेक्ट्रोफाइल। अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा, न्यूक्लियोफाइल के न्यूक्लियोफाइल क्या होते हैं, किस तरह से अटैक करते हैं, उनको मेजर कैसे किया जाएगा, कौन से अफेक्ट फैक्टर्स जो इस पर अफेक्ट करेंगे, और अब हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोफाइल्स। जैसे कि नाम है इलेक्ट्रो प्लस फाइल्स, फाइल मतलब लविंग, इलेक्ट्रो मीन्स इलेक्ट्रॉन, बिल्कुल ओपोजिट केस है न्यूक्लियोफाइल से। न्यूक्लियोफाइल्स में क्या था, प्रोटोन नंबर ज़्यादा थे, इलेक्ट्रॉन्स में इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा होंगे, इलेक्ट्रॉन्स को लविंग मतलब इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा हैं इसलिए वो इलेक्ट्रॉन को क्या करेंगे यहाँ पे एक्सेप्ट करने की कोशिश करते हैं, इलेक्ट्रॉन को लविंग मतलब यहाँ पे सॉरी यहाँ पे मैंने बोला इलेक्ट्रॉन ज़्यादा नहीं है, इस ये इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की कोशिश करते हैं, अट्रैक्ट करने की कोशिश करते हैं मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की कमी है। इस पे ज्यादा क्या चीज है, न्यूक्लियोफाइल्स, न्यूक्लियोफाइल्स मतलब प्रोटॉन्स ज्यादा है, इसमें प्रोटॉन्स ज्यादा है और न्यूक्लियोफाइल्स ज्यादा है और इलेक्ट्रॉन की यहाँ पे कमी है। तो इलेक्ट्रॉन को फटाफट जिस जो इलेक्ट्रोफाइल्स होते हैं वो कौन से स्पीशीज होते हैं, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट रिएजेंट होते हैं और वो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने की कोशिश करते हैं। ये जो रिएजेंट है किस पे अटैक करेंगे, जिस पे इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होंगे, किस पे ज़्यादा होते हैं, न्यूक्लियोफाइल्स में, न्यूक्लियोफाइल्स में इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होते हैं इसलिए इलेक्ट्रोफाइल्स उन पे अटैक करते हैं। कैसे, यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रोफाइल पे पॉजिटिव चार्ज, इसको लिखते हैं कैपिटल ई के साथ, तो ये क्या करेगा यहाँ से न्यूक्लियोफाइल्स पे अटैक करेगा, देखिए बन गया। अब हमने बात करी थी न्यूक्लियोफाइल्स में कि वो लुईस बेस के तरह एक्ट करते हैं क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करते हैं, लेकिन इलेक्ट्रोफाइल्स क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करते हैं, तो ये क्या बन गए, लुईस एसिड, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट याद रखिए कि पहचान कैसे करेंगे इनकी, ये पॉजिटिवली चार्ज होंगे या फिर न्यूट्रल होंगे। पॉजिटिवली चार्ज कैसे, जैसे कि प्रोटोन, एम पे पॉजिटिव चार्ज, कोई मेटल है, मेटल हैलाइड है पॉजिटिव चार्ज, बी आर पॉजिटिव, सी एल पॉजिटिव, नाइट्रोनियम आयन, वेरियस अमोनियम, यहाँ पे कितने सारे हैं ये आपको याद रखने पड़ेंगे, या एक बार आप माइंड में बिठा लीजिए आपके लिए इजी हो जाएगा। यहाँ पे सारे जो है न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल्स यहाँ पे दिए गए हैं। नेक्स्ट आ जाता है फ्री रेडिकल। फ्री रेडिकल हमने पहले भी थोड़ा पढ़ चुके हैं, दोबारा इसको थोड़ा डिटेल में पढ़ लेते हैं। ये कैसे बनते हैं, होमोलिटिक क्लीवेज से, मतलब 50-50% इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होते हैं
और क्योंकि इनमें एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता है, ये फटाफट रिएक्ट करते हैं ताकि ये पेयर अप हो जाए, तो इसलिए ये हाईली रिएक्टिव होंगे। फ्री रेडिकल, ये डेफिनेशन है यहाँ पे, फ्री रेडिकल इन एनी एटम इज एनी एटम, फ्री रेडिकल कोई भी एटम हो सकता है या फिर एटम्स का ग्रुप हो सकता है जिसमें वन या फिर मोर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, या तो एक ही इलेक्ट्रॉन होगा या फिर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे। बिकॉज ऑफ दिस उनका ऑक्टेट इनकम्प्लीट होता है, वो हाईली रिएक्टिव होते हैं। यहाँ पे देखिए कितनी सारी एग्जाम्पल्स है रेडिकल्स के लिए। नेक्स्ट इज रेडिकल आयंस, रेडिकल आयंस पोजेसिंग बोथ एंड रेडिकल आयंस, यहाँ पे रेडिकल तो है ही है, मतलब इस पे कुछ रेडिकल होगा, जिस स्पीशीज पे रेडिकल होगा। आयंस मतलब या तो उसमें पॉजिटिव चार्ज होगा या फिर नेगेटिव चार्ज, अगर ये दोनों इकट्ठे आ जाएं तो उनको क्या बोलेंगे, रेडिकल आयंस, ठीक है, ये इसकी डेफिनेशन है। फॉर एग्जांपल सेमीक्विनोन, यहाँ पे देखिए ऑक्सीजन पे रेडिकल, दूसरे पे नेगेटिव चार्ज, दिस इज सेमीक्विनोन, दिस इज ऑल्सो रेडिकल आयन। यहाँ पे भी देखिए एमिनियम रेडिकल आयन। नाइट्रोजन पे देखिए इसके दो पेयर, जैसे कि यहाँ पे दो इलेक्ट्रॉन्स हैं, एक इलेक्ट्रॉन तो चला गया तो इस पे ये एक इलेक्ट्रॉन बच गया और दूसरा क्या आ गया, इस पे पॉजिटिव चार्ज, दैट मीन्स इट इज रेडिकल आयन। और एक और यहाँ पे एग्जाम्पल है आपकी बुक में गिवन है, जो डिफरेंट टाइप से एक एग्जाम्पल को ले रहे हैं और इसको बता रहे हैं कि कैसे वो रेडिकल अनायन किस तरह रिएक्ट करेगा, कैसे वो कार्बोकेटाइन की तरह रिएक्ट करेगा, कैसे वो रेडिकल की तरह रिएक्ट करेगा। फर्स्ट इज, जब एंथ्रासीन एड इलेक्ट्रॉन टू प्रोड्यूस, जब इसमें इलेक्ट्रॉन ऐड होगा तो क्या बनेगा, रेडिकल अनायन। देखिए यहाँ पे एंथ्रासीन का आपको पता है, थ्री अगर बेंजीन रिंग को आपस में कनेक्ट कर दे तो वो एंथ्रासीन होता है। अब यहाँ पे जो साइट है जहाँ पे अटैक होगा वो सेंट्रल है, जो बीच में रिंग है, इसमें क्या है, क्योंकि रेडिकल अनायन तो इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहा है तो क्या होगा, इसमें हाफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होंगे। ये दोनों इसका हाफ था, वो तो बन गया यहाँ पे बॉन्ड, यहाँ पे दिख रहा है आपको बॉन्ड, ये इस तरफ या इस तरफ बना दे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ पे जो एक इलेक्ट्रॉन था और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, ये जो इलेक्ट्रॉन है या तो इस तरफ या इस तरफ अटैक करेगा। अगर ऊपर अटैक मैंने दिखाया है तो इस पे क्या आ जाएगा, दो इलेक्ट्रॉन्स, मतलब कि नेगेटिव चार्ज, इसमें एक ही इलेक्ट्रॉन बच गया तो ये क्या बन गया, रेडिकल आयन अनायन, क्योंकि इस पे नेगेटिव चार्ज है। अगर इसी एंथ्रासीन पे हाइड्राइड आयन, हाइड्राइड आयन क्या होता है, एच नेगेटिव, इस पे अटैक करे तो क्या होगा, बाकी सारा प्रोसीजर सेम है, ये अटैक करेगा या तो यहाँ या फिर यहाँ। अगर यहाँ अटैक कर रहा है तो इस पे क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे इसका डबल बॉन्ड खत्म हो जाएगा क्योंकि हाइड्रोजन ऐड हो रहा है, तो ये क्या बन जाएगा, कार्ब एनायन। तो यहाँ पे गलत लिखा है, कार्ब एनायन, सॉरी। नेक्स्ट इज बाय रिमूविंग इलेक्ट्रॉन, अगर यहाँ से इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दिया जाए तो क्या बनेगा, सपोज यहाँ से इलेक्ट्रॉन रिमूव करा तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, ये जो था यहाँ से एक, ये जो बॉन्ड है दो इलेक्ट्रॉन से बना, एक इलेक्ट्रॉन चला गया, ये वाला चला गया, ये इलेक्ट्रॉन और इसका जो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे बॉन्ड बना गया, इसका एक इलेक्ट्रॉन फिर से बच गया, देखिए यहाँ पे रेडिकल कैटायन। नेक्स्ट इज अगर उसमें हाइड्रोजन ऐड हो, मतलब कि हाइड्रोजन आयन ऐड हो, मतलब कि प्रोटोन ऐड हो, अगर प्रोटोन ऐड हो रहा है तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे इसका डबल बॉन्ड खत्म और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज लग गया, क्योंकि इस पे एक इलेक्ट्रॉन तो यहाँ बचा हुआ था, एक इलेक्ट्रॉन जो था इसमें, इसने बॉन्ड बना लिया, ये जो एक इलेक्ट्रॉन था इसको किसने ले लिया, बेस ने, इसका मतलब यहाँ पे क्या लग गया, पॉजिटिव चार्ज, ये क्या बन गया, कार्ब कैटायन। ठीक है, आपकी बुक में क्वेश्चन है पिक अप द न्यूक्लियोफाइल्स, इन सभी रिएक्शन में जो गिवन है उसमें हमें बताना है न्यूक्लियोफाइल कहाँ है और कौन सा है। इस रिएक्शन में अगर आप इसको थोड़ा मैकेनिज्म की तरह लिखना चाहें तो हमने डिस्कस भी किया है। यहाँ पे देखिए ये R है, Cl है, ये तो है सबस्ट्रेट, सबस्ट्रेट में तो नहीं होता है। अभी हम रिएजेंट कौन सा है यहाँ पे, KOH, इसमें दिस इज मेटल और ये OH, मेटल आर इलेक्ट्रो पॉजिटिव, तो दूसरा क्या बचा, OH नेगेटिव, तो ये क्या है, न्यूक्लियोफाइल। नेक्स्ट रिएक्शन है, इसमें भी सेम, दिस इज ऑल्सो मेटल, ये पॉजिटिव चार्ज, ये नेगेटिव है, तो ये क्या हो गया, न्यूक्लियोफाइल। इसमें देखिए मेटल है पॉजिटिव चार्ज, ये बाकी सारी स्पीशीज क्या होगी, न्यूक्लियोफाइल। सेम द केस इज हेयर, पिक अप इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रोफाइल्स पिक करने हैं, इलेक्ट्रोफाइल मतलब जो पॉजिटिवली चार्ज होंगे। इस रिएक्शन को अगर आप खोल के लिखोगे, मतलब के मैकेनिज्म लिखोगे, तो यहाँ पे एक रिएक्शन जो है प्रेजेंट इन द प्रेजेंस सल्फर ट्राईऑक्साइड की प्रेजेंस में ये होती है रिएक्शन, और यहाँ पे ऑक्सीजन है, देखिए यहाँ पे पेयर है, तो इसकी वजह से ये क्या बन गया, इलेक्ट्रोफाइल्स। SO3 न्यूट्रल है, इट इज इलेक्ट्रोफाइल। यहाँ पे देखिए प्रोटोन आपको एज इट इज दिख रहा है, तो ये क्या है, इलेक्ट्रोफाइल, क्योंकि एज इट इज प्रोटोन है। इस रिएक्शन में देखिए
FeCl3 रिएक्शन में इसमें जो रिएक्शन हो रही है, ये याद रखिए ये यहाँ पे एच न्यू नहीं लिखा, मतलब कि यहाँ पे फोटो क्लोरीनेशन नहीं हो रही है, तो यहाँ पे रेडिकल लिखने की गलती मत कीजिएगा। यहाँ पे क्या बन रहा है, क्लोराइड कैटायन, मतलब के Cl पॉजिटिव, दिस इज इलेक्ट्रोफाइल। सेम केस हियर, I पॉजिटिव, दिस इज इलेक्ट्रोफाइल। ठीक है, तो इसके साथ हमने केमिस्ट्री 6 यूनिट नंबर 1 जो चैप्टर है, बेसिक मैकेनिज्म है, रिएक्शन मैकेनिज्म इंट्रोडक्शन, इसका हाफ पार्ट कर लिया है। नेक्स्ट हाफ पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करेंगे, लेकिन सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि मैकेनिज्म कैसे होता है, कौन सी टर्म यूज़ करते हैं, तभी बाकी जो ऑर्गेनिक रिएक्शन हम इसके मैकेनिज्म पढ़ पाएंगे, क्योंकि ऑर्गेनिक रिएक्शन की ABC है। अगर आपको ABC नहीं आएगी तो आप आगे नहीं समझ पाएंगे, आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री टफ लगेगी। तो आप इसको पहले अच्छे से पढ़ लीजिए, अगर कोई यहाँ से कोई डाउट निकल रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और इसके अलावा आपको कौन से सब्जेक्ट चाहिए तो आप उसका सजेशन आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। और अगर आप इस चैनल में नए हैं, फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने क्लासमेट्स के साथ शेयर करें। कीप वॉचिंग दिस चैनल, थैंक यू।